हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8D का इंट्रो। ठीक है, इंट्रो मतलब क्या है? जस्ट एग्जांपल्स रहेगा और बस कुछ कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 8D का इंट्रो। तो देखो, 8D में हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। अब तुम लोग बोलोगे तो सर ये तो हमको सबको पता है। हाँ जरूर सबको पता है, लेकिन एक्चुअली है क्या ये? देखो, हम लोग कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे, वेबसाइट मतलब क्या, ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ईबे, ऐसा कुछ बहुत सारा वेबसाइट्स है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है ये सब में हम नहीं जा रहे हैं, हम बस ये कंसेप्ट में आ रहा है कि ये जो जितना सारा वेबसाइट्स है, यहाँ पे देखना कि हमेशा अगर कुछ खरीदने जाओगे ना तो ये लिखा हुआ रहता है कि 599, फिर इसको क्रॉस करके लिखा हुआ होता है 299। अब लिखा हुआ होता है कि कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट। ठीक है, मतलब ये देखने के बाद हम लोग क्या समझते हैं कि ओरिजिनल प्राइस होता है ये जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का। शायद तुम वॉच ले लो या फिर कुछ सामान खरीदना है ले लो, कुछ टी शर्ट ले लो, जीन्स ले लो, देखना जिसका प्राइस ये होगा और एक कट करके वो ये कम प्राइस लिखा रहता है। मतलब क्या है, ये जो होता है हम लोग इससे क्या समझते हैं कि ये ओरिजिनल प्राइस है और फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न हम लोग को डिस्काउंट करने के बाद ये रुपीस दे रहा है, और फिर क्या इसके बाद डिलीवरी चार्ज एडेड अप करता है, फिर अब कुछ कुछ प्रोडक्ट में करता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में नहीं करता है, तो फिर ये हो जाता है हम लोग जिसको पे करना होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो होता है यही है मार्क प्राइस। मतलब क्या है, ये जो है ये है ओरिजिनल प्राइस और फिर मार्क प्राइस। ठीक, अब ये जो है ना ये हम लोगों का पे करना है इतना। ठीक है, अब ये जो परसेंट है ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज, और फिर अगर जितना रुपीस प्लस माइनस कर दो तो उतना रुपीस। ठीक, अब ये डिस्काउंट कब होता है देखना, हमेशा ऐसा कि बिग बिलियन सेल होता है, और फिर जैसे कि हम कोलकाता में रहने वाले हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो जब पूजा होता है, ठीक है, दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा के टाइम में यहाँ पे सेल लगता है। एक और सेल क्या लगता है, चित्र सेल लगता है। ईद के टाइम में हम लोग का यहाँ पे सेल होता है। ठीक है, तो ये सेल में जो होता है हम लोग का हमेशा डिस्काउंट लगता है। तो ये डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट जो है सोचो कि कुछ प्रीवियस ईयर का हम लोग के पास कुछ सामान या फिर कुछ कपड़ा पड़ा हुआ मतलब नया कपड़ा है जरूर। ठीक, तो वो कपड़ा हम सेल करना चाहते हैं लेकिन डिस्काउंट प्राइस में, और हम लोग का ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोग का जो डिस्काउंट प्राइस होता है ना उसमें थोड़ा सा बढ़ा के फिर डिस्काउंट देता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दो। अगर सोचो कि किसी सामान का प्राइस है 300, उसको बढ़ा के कर दो 500। ठीक, अब फिर ऐसा एक डिस्काउंट दो जैसे कि इसका प्राइस आ जाता है 350, और हम लोग को दिखता है कि अरे ये प्राइस है 500 और डिस्काउंट से हम लोग को लेना पड़ रहा है इतना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे कि बड़ा बड़ा ब्रांड में देखो, बड़ा बड़ा जैसे कि प्यूमा का ब्रांड है और रिबॉक की जो बड़ा सबसे बड़ा बड़ा जो ब्रांड होता है, या फिर पैंटालूंस का बोलो, कुछ बड़ा बड़ा जो ब्रांड होता है उस ब्रांड में ऐसा कुछ नहीं होता है। उस ब्रांड में नॉर्मली तो नॉर्मल टाइम में जो प्राइस रहेगा उसका ही ऊपर डिस्काउंट होता है, क्योंकि वो सब सबको पता होता है कि यहाँ पे इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है। तो कुछ कुछ जब छोटा जगह पे ये होता है, ठीक है, ये नॉर्मल केस है कि पहले जो प्राइस था उसके ऊपर बढ़ाओ फिर डिस्काउंट दो। ठीक, तो फिर यहाँ पे तीन हम लोगों का क्या आ रहा है, वर्ड्स आ रहा है, क्या क्या वर्ड्स। एक आ रहा है सेलिंग प्राइस, ध्यान से देखो, एक आ रहा है मार्क प्राइस, एक आएगा डिस्काउंट। अब ये तीन में कोई एक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, यहां पे वही तीन दिखाए ना हम, ये क्या था ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये क्या था मार्क प्राइस, और डिस्काउंट कितना दिया ये दोनों में, डिस्काउंट कितना दिया 150। ठीक, अब देखो यहां पे
ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस, ये होता है सेलिंग प्राइस, ये एकदम पहले था, ठीक है। तो इसको तुम लोग भूल जा सकते हो, ठीक है, ये भूल जाओ अभी के लिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये तीन है हम लोग के पास, एसपी ये है, ये जो है मार्क प्राइस है, और ये जो है डिस्काउंट रेट है। मतलब क्या, देखो अब ये रिलेशन में इसको पुट कर दो, सेलिंग प्राइस अगर 350 होगा तो फिर मार्क प्राइस है 500 माइनस डिस्काउंट 150, आ रहा है ना 350, ठीक। तो LHS इक्वल्स टू RHS, वाह समझ में आया कंसेप्ट, डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या है। अब ये जो होता है ना, ये होता है एक फॉर्मूला जिसको तुम लोगों को याद रखना है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। नॉर्मली ये बस एक कंसेप्ट है, लेकिन चाहो तो तुम लोग इसको फॉर्मूला से याद रखो, ठीक। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट, इसको शॉर्ट में क्या हो जाता है, SP इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट डी, ये हो जाता है इसका शॉर्ट में, ठीक। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। मतलब जो है, और फिर यहां से इसको उल्टा भी हो सकता है कि SP माइनस MP इक्वल्स टू डी, मतलब जैसा है ये तीन अननोन वेरिएबल है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन से हम तीनों का तीनों ही निकाल सकते अगर एनी टू इज गिवन। मतलब क्या, दीज थ्री आर अननोन वेरिएबल्स, इफ एनी टू इज गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द अदर वन, ठीक। ये होता है डिस्काउंट का कंसेप्ट। अब देखो ये जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं, क्योंकि मार्क प्राइस से ऊपर ही डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस में तो डिस्काउंट देगा नहीं। तो यहां से ये पहला कंसेप्ट आता है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मार्क प्राइस, ठीक। डिस्काउंट इज ऑलवेज, इसको ले लो यहां पे, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवेन और डिपेंड ऑन मार्क प्राइस, ठीक। ये हम लोगों को याद रखना है, समझ में आया। तो ये एक याद रखना है, ये एक याद रखना है, ठीक। और एक क्या याद रखना है, और एक क्या याद रखना है, ये जो मार्क प्राइस है ना, इसका बहुत सारे नाम है, इसका बहुत सारे नाम है, क्या क्या नाम हो सकता है यहां पे लिख देते हैं। लिस्ट प्राइस बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक। कभी कभी बोलते हैं कि प्रिंटेड प्राइस, ठीक। तो फिर ये मार्क प्राइस, ये प्रिंटेड प्राइस, ये लिस्ट प्राइस, तीनों सेम ही चीज है, ठीक है, बस अलग अलग नाम है, समझ में आया। अब देखो यहां पे एक और एक फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है, डिस्काउंट अगर परसेंट में दिया है, ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, SP इक्वल्स टू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 इनटू MP, मतलब क्या है मार्क प्राइस। ये भी फॉर्मूला याद करना है, समझ में आया, ठीक है। और इसको उल्टा करके क्या होगा, MP इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला, तो कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो बोर्ड पे जगह नहीं है, तो कितना सारा फॉर्मूला, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद करना है वो हम लिख देते हैं, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पे मतलब कुछ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम वीडियो को एकदम पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखोगे, मतलब यहां तक जो लिखे है यहां तक देखोगे, तो हर एक पॉइंट हम जब जब लिखे है तब तक क्या लिखे है बताया है। अभी हालांकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एक साथ मिक्सअप हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो को फर्स्ट से अगर तुम देखोगे, कंटिन्यू करोगे, तो कंसेप्ट जो है डिस्काउंट का, ये समझ में आ जाना चाहिए। आई होप समझ में आ गया है।
अब देखो आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमको याद रखना है डिस्काउंट के बारे में, ठीक है? चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट थिंग, पहले क्या याद रखना है, डिस्काउंट जो है इज ऑलवेज गिवेन और डिपेंड। अब यहां पे कैप्स में क्यों लिखा है, ताकि यहां पे जोर दे रहे कि डिपेंड ऑन द मार्केट प्राइस। एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस। समझ में आया? अब देखो नंबर टू कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला जो है हम जो बताया था, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल्स टू एमपी माइनस डी फॉर डिस्काउंट। ठीक, समझ में आया यहां तक? अब चलो नंबर थ्री पॉइंट क्या करना है। अब देखो यहां से क्या क्या रिलेशन आ सकता है, लिख देते हैं। ये है नंबर वन, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है नंबर वन। अब नंबर टू क्या, यहां से एमपी का वैल्यू अगर आना है, मतलब मार्क प्राइस, तब ये डी को इधर भेज दो तो फिर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस डी हो जाएगा मार्क प्राइस का वैल्यू। ठीक है, तो फिर ये एक फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अब डिस्काउंट का फॉर्मूला चाहिए तो फिर डिस्काउंट को इधर भेजो, तो डी इक्वल्स टू डिस्काउंट को इधर भेजे तो प्लस हो जाएगा। घर में कौन है, मार्क प्राइस है, अब इसको बाहर से लेके जाओ तो माइनस एसपी। अब जब इधर उधर करोगे ना, ऐसे ही करना, हमेशा घर के अंदर जो है उसको पहले बिठाओ, घर के अंदर था उसको पहले बिठाए। अगर तुम घर के बाहर हो, तुम्हारा घर में कोई आएगा, तो तुम क्या उसके हाथ में चाबी देके बोलोगे कि आप जाके बैठो हम बाद में आ रहे हैं, नहीं ना। तो पहले वही करना है, घर के अंदर जो है उसको पहले बिठाओ, फिर जो बाहर वाला है उसको बुला लो। ठीक है, हमेशा यही करना, नहीं तो साइन का गड़बड़ हो जाता है, ऐसे सोचना। तो ये तीन फॉर्मूलाज आता है, ठीक है, ये जो है हम लोग के पास ये फॉर्मूला जो है, इससे ये तीन फॉर्मूला आता है, बस कुछ नहीं, इक्वेशन का इधर उधर, तीन अननोन वेरिएबल था, बस इधर उधर किया। ठीक, अब देखो नंबर थ्री क्या है। नंबर थ्री, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में गिवेन है, डिस्काउंट परसेंट में गिवेन है, ठीक है, तब एसपी क्या हो जाएगा, देन एसपी इक्वल्स टू क्या होगा, 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट परसेंट में गिवन है तो एसपी इक्वल्स टू ये होता है, और फिर ये एक इक्वेशन है, यहां से एमपी इक्वल्स टू भी निकलेगा। एमपी इक्वल्स टू हम क्या किए, इसको इधर ही रखा है, तो बाकी सबको इधर भेज दो तो तुम लोगों को उसी से इजी होगा समझने में, हमको लग रहा है कि मार्क प्राइस जो है इसको इधर ही रहने दो, फिर ये सबको इधर लाओ घर पे, कौन था, एसपी था घर पे, तो एसपी को रहने दो घर में, फिर ये 100 को ऊपर लेके आओ, अब ये जो भाई है इसको नीचे लेके आओ, तो 100 माइनस डी। ठीक, मतलब बस उल्टा कर दिया। तो इसको और अच्छे से कैसे हम लिख सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट जो था ना, ये पूरा ब्रैकेट को ऐसे कर दो, बस हो गया इसका उल्टा ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला को इसके तरह लिखने से क्या हो जाएगा, बस एमपी को इधर लिखो कि इधर लिखो, दोनों सेम है, तो एमपी इक्वल्स टू, तो यहां से हटा दो। समझ में आया कैसे आया? ठीक, बस हम लोग इधर भी रख सकते हैं, जब सम्स करेंगे तब इधर रखो कि इधर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि तुम्हारा मार्क्स दो मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एसपी है, ये मार्क प्राइस। एसपी मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब क्या है, मार्क प्राइस, हम यहाँ पे ये बताया है। ठीक, अब देखो नंबर फोर जो है वो क्या है। अब मार्क प्राइस जो है ना, इसका बहुत सारे नेमिंग है, जिसका है लीस्ट प्राइस, और है प्रिंटेड प्राइस, ऐसा कुछ नेमिंग है। ठीक है,
तो ये जो चार पॉइंट्स है हमको याद रखना है, ठीक है? ये चार पॉइंट्स हम लिखा है, याद रखना है। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है एसपी, मार्क प्राइस का मतलब होता है एमपी, और डिस्काउंट को हमने डी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? बस यही ध्यान में रखना। तो नोट इट डाउन एंड मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, पहले देखेंगे एग्जाम्पल 17। देखो एग्जाम्पल 17 में क्या कहा है, अ ट्रेड्समैन मतलब जो ट्रेड करता है मतलब बिजनेसमैन मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड देन अलाउज परचेजर्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। मतलब क्या है, देखो एक बिजनेसमैन जो है वो उसका जितना सारा गुड्स है उसका 35% अबव लेके कॉस्ट प्राइस रखा है, ठीक है? और देन अलाउज परचेजर्स, परचेजर्स जितना सारा है उसको 15% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है? तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट दैट इज सेव, तो मतलब क्या उसका कितना प्रॉफिट सेव हुआ। तो देखो तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसका, तो देखो यहां पे सीपी नहीं दिया था, तो हम लोग पहले के क्या लेंगे, लेट द सीपी इक्वल्स टू 100। सीपी जो है उसको 100 ले लो, ठीक? अब जो है उसको 35% क्या किया है, एक्सटेंड किया है, मतलब जो गुड्स का जो प्राइस था, सोचो कि प्राइस अगर 2 था तो उसको 35 इंक्रीज कर दिया, ठीक? 35% इंक्रीज किया, तो परसेंट मतलब 100 में ही होता है, तो सीपी हम लोग 100 लिया है। तो वो जो लिखा है, जो इंक्रीज करके जो 35% किया है उसको क्या होगा, ऐड कर दिया है सीपी के साथ, तो वो मार्क प्राइस हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? देखो गुड्स जो है 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उससे 35% ऐड कर दिया है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये अगर करेंगे और डायरेक्टली प्लस 35 कर देंगे दोनों एक ही बात। एक बार देख लो यहाँ पे, 100 प्लस 35% ऑफ 100, परसेंट मतलब क्या नीचे 100, तो देखो ये 100 ये 100 कट हो जाएगा, तो ओरिजिनली क्या आया 100 प्लस 35। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ऐसा काम में ना, जब 100 ले रहे सीपी तो हमेशा ये डायरेक्टली 100 से 35 से प्लस कर दो, तो आंसर आ जाता है, ठीक है? जैसे कि वो कट हो जा रहा है लेकिन ओरिजिनली 35% सीपी के ऊपर हो रहा है, एडेड अप हो रहा है, तो आया ₹135। समझ में आया? चलो अब क्या है, डिस्काउंट दिया है 15% किसके ऊपर, जो मार्क क्या है इसके ऊपर, ठीक? तो डिस्काउंट 15%, ठीक? तो फिर डिस्काउंट दिया है इतना, ठीक है? तो 15% ऑफ 135, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है वो निकालो, तो क्या करना है, 15% था बाई, तो 135 हो जाएगा, तो 5 से करो तो यहां पे क्या आएगा 20 आएगा, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 5 से 4 आएगा, यहाँ पे 5 से 2, 7 आएगा, 20.25, ठीक? तो आ गया डिस्काउंट उसका इतना है, ठीक है? मतलब मार्क प्राइस से ऊपर ही हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ये बातें याद रखना, वो पहला वाला पॉइंट, मार्क प्राइस जो है इसके ऊपर ही डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे हमेशा, ठीक है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं, ठीक है? अच्छा तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, माइनस कर दो 135 माइनस 20.25, क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा था, इसका ये सेकेंड लाइन यहां पे लिखा है, ठीक है? 135 माइनस 20.5, यहां पे ये माइनस नहीं है, पॉइंट है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 114.75, ये आएगा रुपीज, ठीक? अब देखो तुमको चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंट है कि नहीं, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। अब प्रॉफिट परसेंट से पहले प्रॉफिट निकालना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 ना, एकदम पहले जो कर रहे थे, तो ये प्रॉफिट हम लोग निकालना है, बस प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, जो सेलिंग प्राइस था 114.75 इससे ये कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, हटा दो, तो कॉस्ट प्राइस माइनस करने से कितना आएगा 14.75, ठीक है? 14.75 इसका जो है प्रॉफिट है, तो यहाँ पे पुट कर दो 14.75 बाई सीपी,
14.75 सीपी कितना है, सीपी के ऊपर होगा 14.75। कब प्रॉफिट हो रहा है, जब कॉस्ट प्राइस है 100, तो 100 के साथ इनटू यहाँ पे क्या है 100 है, तो कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 14.75%, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया सम क्वेश्चन में जो था, एक और बार समझ लो धीरे धीरे, जब समझना है ना धीरे धीरे समझो, कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर कर लो, फिर जो है कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो सम अच्छे से बनेगा। तो कंसेप्ट पे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम देके कंसेप्ट को क्लियर कर लो, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सम्स बन जाएगा। पहले ही सम्स के पीछे मत भागो कि अरे सर इतना स्लो सम्स क्यों करवा रहा है, ऐसा नहीं है, स्लोली हम कंसेप्ट को समझा रहे हैं। सम्स जब करेंगे तब तो धड़ाधड़ बन जाता है, ठीक है, कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो सम है ये कंप्लीट हो गया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखो क्या बताया, अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 25%। तो देखो 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसका 25% प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट बता दिया है कि 1440 टू द डीलर, ठीक है, डीलर का कॉस्ट प्राइस जो है वो बता दिया है, ठीक है। अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है वो चाहिए। अब देखो हम लोग के पास फॉर्मूला है, ये तो पुराना फॉर्मूला का सम है तो इजीली बन जाएगा। मार्केट प्राइस का नया फॉर्मूला हम देखेंगे वो क्या है, कैसे करता है वो देखेंगे, लेकिन पहले जो है हम लोग के पास क्या गिवेन है, एसपी गिवेन है, एसपी नहीं सीपी गिवेन है, क्या है 1440, ठीक। अब प्रॉफिट कितना गिवेन है देखो 25%, तो ये सीपी है ये प्रॉफिट है, तो फिर एसपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा सर जरूर निकलेगा। तो 100 प्लस 25/100 इनटू क्या करना है, एसपी निकाल रहा है तो यहाँ पे सीपी होगा 1440, तो फिर क्या हो जाएगा 125/100 इनटू 1440, 0 कट करो, फिर 5 से करो 2, 5 से करो 25, 2 से करो 72, तो 25 इंटू 72 कितना होगा 1800, ठीक। यहां तक समझ में आया, तो ये क्या हो गया नंबर वन का आंसर, ये हो गया नंबर वन का आंसर। ध्यान से देखो ये पुराना सम था हम लोगों का, तो पुराना फॉर्मूला सही बन गया, सीपी गिवन है प्रॉफिट गिवन है, इसपे निकालना था तो पुराना फॉर्मूला हो गया, बस चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या है, देखो मार्क प्राइस का भी हम फॉर्मूला बताया था एक, तो क्या फॉर्मूला था, जब मेरा हम बताया था कि जब मेरा एसपी ठीक देखो आ गया है 1800, मतलब कि गिवन है, अब डिस्काउंट परसेंट में गिवन है कितना 25%, तो तब मेरा मार्क प्राइस का फॉर्मूला हम बताया था, चेक कर लो वहां पे जाके एक बार वीडियो पीछे जाके वो फॉर्मूला चेक कर लो, और फिर जो तुम नोट डाउन किए हो कॉपी में वो देखो, मार्क प्राइस का फॉर्मूला तुमको है, फॉर्मूला क्या है 100/100 माइनस डिस्काउंट जो है इनटू एसपी होता है फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर दो 100 माइनस 25 मतलब 75 इनटू एसपी मतलब 1800 कट कर दो, ये पूरा जो है पूरा कट कर दो, 25 से पहले ये दो को कट करो, 25 4 जा 25 3 जा, अब 3 से ये कट हो जाएगा 600, तो 4 6 जा 2 4 00, तो ये क्या हो गया 2400 मार्क प्राइस दिया था, मतलब समझ में आया। देखो सीपी था 1440 लेकिन वो 25% इंक्रीज क्या था, इंक्रीज करके 2400 किया था, फिर क्या है उसमें 25% डिस्काउंट दे रहा था, फिर भी उसका 25% प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या 1440 का चीज और फिर प्रोडक्ट वो 1800 में बेच रहा है, फिर भी उसका 25% प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये जो था फॉर्मूला था, याद कर लेना, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी। अब तुम लोग बोलोगे कि सर फॉर्मूला अगर हम कंसेप्ट से समझ लेंगे तो क्या हुआ, नहीं फॉर्मूला को कंसेप्ट से, कंसेप्ट में फॉर्मूला को कंसेप्ट से नहीं समझना है, कंसेप्ट जो है कंसेप्ट को समझो अलग से, फॉर्मूला जो है फॉर्मूला को समझो अलग से,
लेकिन तुमको फॉर्मूला को लर्न करना पड़ेगा ही। क्यों? जब फॉर्मूला लर्न होगा तब सम्स जल्दी बनेगा, जब सम्स जल्दी बनेगा तब हम लोग के हाथ में टाइम बचेगा, जब ज्यादा टाइम बचेगा हम लोग कम टाइम में ज्यादा सम्स कर सकते हैं। तो कम टाइम में ज्यादा सम्स करेंगे इसका मतलब क्या है, पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, रीचेक का टाइम मिलेगा, जो सम नहीं हुआ उसको करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट सम में चलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 19 में क्या दिया है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। अब इसका मतलब क्या है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये क्या है हम बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग का जो करना था वो कर लो। क्या करना था, कुछ नहीं गिवेन है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट ये जो है क्या, पहले मार्क प्राइस ले लो 100, कुछ गिवेन नहीं है, बस कितना डिस्काउंट है वो गिवेन है, तो मार्क प्राइस ले लो 100। ठीक, ले लिए हम। अब क्या लेना है, फर्स्ट डिस्काउंट क्या है, 10%। 10% कितना, मार्क प्राइस का, तो 10% ऑफ मार्क प्राइस मतलब क्या, 10% ऑफ 100 मतलब क्या, 90 आंसर आएगा। डायरेक्टली 10 माइनस कर दोगे तो भी होगा। ठीक, अब क्या है, ये आया, तो फिर क्या है, सेकेंड डिस्काउंट। अब ये जो है फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया था, 10% ऑफ मार्क प्राइस, ये देने के बाद ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे जो है 10 आएगा, लेकिन डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है वो लिख देते हैं, यहाँ पे ये जो सम है ना दो टाइप पे कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डिस्काउंट पहले निकालो, ठीक है, 10% ऑफ 100 तब आएगा 10, फिर 100 माइनस 10 करो आएगा 90। एक प्रोसेस है ये, ध्यान से देखो, एक प्रोसेस है ये। अब इसको रब कर देते हैं, क्या बताया था, 10% ऑफ 100, तो 100 माइनस 10 कर दो तो डायरेक्टली आंसर आ गया, एसपी जो है 90। समझ में आया, यहां पे लिखना है कि सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक, अब एसपी आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट किसके ऊपर देगा, इसके ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, इसके ऊपर ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये जो है ये एसपी नहीं है, ये एमपी कर दो, कि मार्क प्राइस 100 था तो मार्क प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस क्या है 90, अब मार्क प्राइस सेकेंड डिस्काउंट के बाद क्या है 90 माइनस 20% ऑफ 90 माइनस 20/100 इंटू 90, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 92 का कितना होगा 18, तो फिर 90 माइनस 18 तो कितना होता है ₹72 हुआ। ठीक, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो 10% डिस्काउंट दिया था, सेकेंड टाइम वो 20% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये क्या होता है, ये जो है ना सम ऑफ ऑल द डिस्काउंट्स, तो डिस्काउंट पहले कितना था 10, फिर उसके बाद क्या था 18, तो 10 प्लस 18 तो टोटल हुआ 28। अब तुमको लग रहा है कि सर ये 18 कहां से आया, यहां से आया ना 20% ऑफ 90, फर्स्ट कहां से आया, ये 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 क्या होगा चेक कर लो, 10% ऑफ 100 तो क्या होगा, नीचे 100 कर दो परसेंट को काट के, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 10, तो 10 आया, यहाँ पे 20% था, 20% किसका 90 का, तो यहाँ पे कितना आया 18, तो 18, तो ये होता है एक फॉर्मूला, इसको याद रखना। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में चाहिए कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट एज परसेंट, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज परसेंट, मतलब परसेंट क्या है 28 ही होगा, 28%, तो रिक्वायर्ड सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 28%। ठीक, जो निकलेगा यही परसेंट में, क्यों, क्योंकि हम लोग का मार्क प्राइस था 100। ठीक है, तो कैलकुलेट अगर होगा तो वो 100 में ही करेंगे, क्यों, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस
मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100। ठीक है, समझ में आया। अब तुम लोग बोलोगे कि सर तो फिर ये मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस, ये सब का क्या है, क्या चक्कर? कुछ चक्कर नहीं है, बस तुम यहां से भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं था, तो इसलिए हम कुछ काम में नहीं लगा है। ठीक है, अब सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का यही तरीका है। ठीक है, तो इसका इजी प्रोसेस क्या है, हमको बस क्या करना है, अगर सिर्फ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने बोलेगा तो फिर क्या करना है हमको, यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्वेश्चन जो है यही रहेगा, तो फिर पहले 10% ऑफ 100, मतलब मेरा मार्क प्राइस जो है वो निकालो, कितना आएगा 10। अब 20, अब माइनस कर दो, 100 - 10 जो है 90। ठीक, अब ये 20% ऑफ 90 तो कितना आएगा, आया 18। अब सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहिए था, तो 10 + 18 कर दो, तो आ गया 28। अब 28 मतलब क्या, कितने में था जब मेरा मार्क प्राइस था 100, तो फिर यही क्वेश्चन में बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब समझ में आया। अब देखो यही सम का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, यही सम का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। वो क्या है, एक फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं है, SP = MP × 100 - D1/100 × 100 - D2/100। इसमें अगर करेंगे तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में इनटू है, तो मार्क प्राइस क्या था 100, × 100 - D1 मतलब 10% में दिया था, फिर 20% में दिया था, तो फिर पहले क्या होगा, 100 - 10 कर दो बाई 100, फिर क्या है यहाँ पे 100 - 20 कर दो बाई 100, फिर जो है यहाँ पे 100 × 90/100 यहाँ पे क्या होगा 80/100। ठीक, अब क्या करना है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट हो गया, ये दो जीरो कट हो गया, तो 8 9 कितना आया 72। तो जो 72 आ रहा था लास्ट सम में, वही सम में आ गया। अभी क्या करना है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट एज परसेंट क्या हो जाएगा, 100 से बस इसको माइनस कर दो, आया आंसर, मैच किया। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को तुम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। जब क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट्स होगा, जब सक्सेसिव डिस्काउंट्स होगा, समझ में आया। चलो एग्जाम्पल 20 करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 20 में क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% ईच, तो 50% ईच में है, तो फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट एज परसेंटेज, तो ये भी सेम ही है। तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं। क्या है, मार्क प्राइस 100 ले लो, फिर मेरा फॉर्मूला क्या है, एसपी निकालना है, मार्क प्राइस इनटू 100 - Discount 1/100 ब्रैकेट कर दो × 100 - Discount 2/100। ठीक, अब मार्क प्राइस क्या है 100 है, इनटू यहाँ पे क्या होगा 100 - 50 क्योंकि 50% ईच बताया है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 100 - 50 ठीक बाई 100, अब क्या होगा 100 × 50/100 × 50/100, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट कर दो, अब दो जीरो बचा बचा है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट कर दो, तो क्या आया 5 5 = 25 आया। तो क्या होगा, अब क्वेश्चन क्या है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट एज परसेंट, क्या करते हैं हम 100 से ये माइनस कर देते हैं, कर दिए आ गया 75%। ठीक है, समझ में आया।
अब वो पहले क्या किए थे, अगर उससे करोगे तो एक बार 100 करो फिर 50 करोगे, तो पहले यही वाला मेथड इजी है फॉर्मूला से, बस फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। तो ट्राई करना जितना ज्यादा फॉर्मूला उतना जल्दी सम्स। देखा फॉर्मूला में पुट कर दिया, ये स्टेप तो हम नहीं लिखते तो भी हो जाता, ये स्टेप्स को हम छोड़ देते तो भी हो जाता। क्या लिखते हैं यहाँ पे, 100 इंटू यहाँ पे 50/100, तो दिख रहा है तो डायरेक्टली लिख दो 1/2 × 1/2, वही आता है कि नहीं, 50/100, 50 से कट करो इसको तो 1/2 ही आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये लिख दो, अब ये 2 2 से 4, यहाँ पे 25, तो आंसर आया 25, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसे करेंगे तो हमको होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब ये चेक कर सकते हो, तो जल्दी तो इसमें होता है, ठीक है, इजीली हो जाएगा, समझ में आया। चलो अब चलते एक्सरसाइज 8D में, देखते हैं क्या क्या सम्स है, कितना इजीली हम उसको सॉल्व करते हैं।